एडवांस एक्सेल, एडवांस एक्सेल क्या कोई अलग सॉफ्टवेयर है? जो नॉर्मल एक्सेल की सॉफ्टवेयर होती है उससे कोई अलग सॉफ्टवेयर है, या कोई एक्सेल के ही कुछ अलग अलग पार्ट को क्या हम एडवांस एक्सेल कहते हैं? देखिए, माइक्रोसॉफ्ट कहीं भी इस चीज का मेंशन नहीं किया हुआ है कि ए ऑप्शन या कोई फीचर्स एडवांस है या कोई फीचर्स बेसिक है। बेसिक या एडवांस डिपेंड करती है वो हम अपने हमारी यूज के ऊपर। तो कैसे, तो चलिए हम आपको बताते हैं। अगर आपने एडवांस एक्सेल की कोर्स, जो बड़े बड़े ट्रेनिंग सेंटर है, जो अपने आपको फलाना टेक कहते हैं, उनके जो ट्रेनर्स हैं, जो उसी ट्रेनिंग सेंटर से पास आउट होते हैं, वो आपको एडवांस एक्सेल कैसे सिखाते हैं और एक वर्किंग प्रोफेशनल आपको कैसे सिखाएगा, दोनों में आप डिफरेंस समझ लीजिए। देखिए, अगर हम यहाँ पे 20 लिखते हैं, यहाँ पे 30 है, अगर हमने 20 को सेलेक्ट किया, कॉपी किया और 30 के ऊपर पेस्ट कर दिया, तो 30 रिप्लेस हो जाता है 20 से, सिंपल सी बात है। अगर मैंने पेस्ट स्पेशल के अंदर हमारे पास होता है ऑपरेशन, दिख रहा है, ऑपरेशन में अगर मान लीजिए हमने ऐड कर दिया, अब क्या होगा? अब 20 और 30 के बीच में एडिशन होगा, यहाँ 50 पेस्ट होगा। पेस्ट स्पेशल करते समय अगर मैंने मल्टीप्लाई ले लिया, तो दोनों के बीच में मल्टीप्लाई होगा और पेस्ट हो। तो आपने अभी जाना कि पेस्ट स्पेशल करते समय हम अगर ऑपरेशन के अंदर में अगर कोई लेते हैं एडिशन, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट, तो वो ऑपरेशन होके रिजल्ट को पेस्ट कर देता है। इसको हम बेसिक एक्सेल कह सकते हैं। कोई भी ट्रेनर, जो ट्रेनर है, वो आपको इसी तरह से सिखाएगा कि कोई ऑप्शन कैसे यूज होता है। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, कैसे यूज होता है। लेकिन जब हम जैसे वर्किंग प्रोफेशनल्स के पास आते हैं, तो वो लोग आपको इसका यूज बताते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग इसको ऑफिस में झेल चुके होते हैं ऐसी प्रॉब्लम। जैसे कि एक्सेल में अगर आपको 20% लिखना है, तो 20% का सैंपल आपको लिखना है, ये आ गया 20%। अगर आपने 20 टाइप करके इसके ऊपर परसेंट का सिंबल दिया, तो 2000 हो जाएगा, क्योंकि एक्सेल में 1 इक्वल टू 100% होता है। इसका मतलब है कि मुझे अगर बाद में परसेंटेज लगाना है, तो 0.20 लिखेंगे, इसमें परसेंट का सिंबल देंगे, आपके सामने ये 20% आ गया। ओके सर, यही प्रॉब्लम होती थी कि हमारे एक कलीग थे, मुझे एक डेटा भेजते थे, डेटा का हेडिंग वो परसेंटेज कर देते थे। ठीक है, सॉरी बटन, और नंबर भेज देते थे। अब मेरे कलीग के अकॉर्डिंग ये जो है 32% है, ये 30% है, ये 53% है, बट एक्चुअली तो नंबर है। मान लीजिए मुझे 500 का 32% निकालना है, 32% अगर परसेंट सिंबल में हुआ तो बी जस्ट मल्टीप्लाई, लेकिन 32 नंबर फॉर्मेट में हुआ तब क्या होगा? अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट गड़बड़ आएगी, तब तो हमें जी फॉर्मूला को चेंज करना पड़ेगा, तब जाके हमें रिजल्ट सही ले पाएंगे। अब यही प्रॉब्लम है, इस डेटा को जहां मुझे यूज करना है, मेरे जो रिपोर्ट में, मेरे जो डेटाबेस में इसको यूज करना है, वहां पे मैं इसको ऐसे नंबर नहीं ले जा सकता, क्योंकि अगर नंबर ले गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास दो रास्ते, ठीक है। पहला है कि मैं इसको एक एक करके परसेंटेज का सिंबल इस तरह से लगाओ। देखिए, जी अगर बहुत छोटा छोटा मोटा चीज हो तो आप लगा लेंगे ना, लेकिन बहुत बड़ी डेटा हो, 10,000 20,000 रो हो, तो मुश्किल हो जाएगा ना सर, क्या बोलना सर? जी तो दूसरा तरीका है कि इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर दें कुछ इस तरह से, ताकि हम परसेंटेज का सिंबल लगा सकें। अब जी ऐसा करना पॉसिबल है, लेकिन मुझे सारा इकट्ठा एक बार में करना है,
तो उसके लिए अभी भी जो मैंने एग्जाम्पल बताया था टेस्ट स्पेशल का, उस एग्जाम्पल को हम फॉलो कर सकते हैं। ये हमने आपको 20 और 30 का एग्जाम्पल जो दिया था, याद है ना सर, कि हम कॉपी करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, पेस्ट स्पेशल करते हैं और यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी करते हैं वो चेंज हो जाता है। तो एक एग्जाम्पल हम इस पे अप्लाएंगे, हम क्या करेंगे, एक सेल में 100 को टाइप करेंगे, 100 को कॉपी करेंगे, पूरे एरिया को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल एंड जस्ट क्लिक ऑन द डिवाइड, एवरी नंबर कन्वर्ट इन द डेसिमल, एंड हम जब इसके ऊपर परसेंटेज का सिंबल लगाएंगे तो ये आपका परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है सर जी। तो ये जो अब देखिए दोनों चीजें सेम थी बट दोनों को बताने का तरीका अलग अलग था। यहाँ पे हमने आपको जस्ट आपको समझा दिया कि ऑप्शन कैसे अप्लाई होता है, अब इसको समझ गए और इसको आप, हमें लगता है कि क्लास से निकलते ही भूल जाइएगा क्योंकि आपके दिमाग में ये हो जाएगा कि ये कोई यूजलेस है, कुछ इसका यूज है ही नहीं, क्या करेंगे इसको जानकर। अजाहिर सी बात है ना, यूजलेस इंफॉर्मेशन को हमारा दिमाग कैरी नहीं करता है ना। जी जी। लेकिन जब उसी चीज पे हमने आपको एक यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट किया, एक रियल लाइफ प्रॉब्लम, और फिर इसका एक इजी सॉल्यूशन बताया, तो ये आपके दिमाग को हिट किया और आप जो है इसको जल्दी भूलिएगा नहीं। तो हमारी क्लासेस में एक्सेल के जितने भी फीचर्स हैं, 200 से ऊपर फॉर्मुलेज हैं, इसी तरीके से कराए जाएंगे कि हर एक चीज का हम ऑफिशियली इस्तेमाल आपको बताएंगे। अब ऐसा मैं क्यों कर किससे बता पा रहा हूँ, इसलिए कि मैं 2003 से वर्किंग हूँ एक्सेल के ऊपर। ठीक है सर, 2003 से एक्सेल के ऊपर वर्किंग, और दूसरी चीज ये है कि मैंने अभी तक तकरीबन मोर देन 1 लाख स्टूडेंट को पढ़ाया है और दे आर द वर्किंग प्रोफेशनल्स, क्योंकि मैं फ्रेशर्स को पढ़ाना अवॉइड करता हूँ। ठीक है, अगर कोई बोलता है तो आपसे भी शायद पूछा होगा कि क्या आप जॉब करते हैं या फ्री हैं, अगर आपने बोला आप फ्री हैं तो मैं अवॉइड करूंगा आपको पढ़ाना, क्योंकि हमारी चीजें उन्हीं को पता चलती है जो इस ऑफिस में काम करते हैं, क्योंकि अब बाकी डिग्री डिप्लोमा आप लोग लेते हैं तो सर्टिफिकेट्स लेते हैं, बड़े बड़े सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, एग्जाम से कुछ दिन पहले पढ़ना शुरू करते हैं, कुछ बच्चे तो एग्जाम से एक दिन पहले ही पढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन ये जो चीजें सीख रहे हैं ये आपकी ऑफिस की रिक्वायरमेंट है और आप सीखते ही ऑफिस में जाकर इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, आपका ऑफिशियल लाइफ इफेक्ट होगा इसकी लर्निंग से, समझ गए। तो कहने का मतलब कि जो मैं पढ़ाऊंगा उसको आप यूटिलाइज कीजिएगा ऑफिस, और आपकी क्वेश्चन जो है उसी आपके ऑफिस के रिलेटेड होगा, आपके काम के रिलेटेड होगा। ठीक है, और क्लासेज जो कि हमारी इसी तरह से 1-to-1 होगी, कुछ भी पूछना है आप एट ए टाइम पूछ सकते हैं, क्योंकि आप माइक अनम्यूट है, आपका माइक म्यूट होता नहीं है, आप पूछ सकते हैं। बैच में 1 से 3 स्टूडेंट होता है, क्लासेस मंडे टू फ्राइडे चलती है, 45 मिनट के आसपास क्लास होती है, हर क्लास को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, आपने अगर रिकॉर्ड नहीं किया तो मैं रिकॉर्डिंग आपको भेज दूंगा। जी ठीक है, ठीक है। और कोर्स में क्या क्या चीज कवर होता है इसका PDF मैंने आपको आई थिंक भेजा है व्हाट्सएप पे। जी जी जी, ठीक है ना। तो अब इसमें हम कोर्स के बारे में बात कर लेते कि हमारा कोर्स क्या है। देखिए मेरे पास कई तरह के कोर्स हैं, पहला है हमारा एडवांस एक्सेल विद फॉर्मूला। इसके इस कोर्स के अंदर में एक्सेल के जितने भी मेनू बार हैं, उसके जितने भी ऑप्शंस हैं, मोर देन 300 फॉर्मूला है, रिपोर्ट ऑटोमेशंस है विद फॉर्मूला है, रिपोर्ट बनाना, डेटा एनालिटिक्स करना, ये सारे चीजें हम बेसिक टू एडवांस कवर करते हैं। मतलब कोर्स करने के बाद आप किसी भी तरह का रिपोर्ट, अब किस तरह की रिपोर्ट, कैसा, अभी थोड़ी देर पहले बताया, मैंने बता देता हूँ, इस तरह के रिपोर्ट को आप बना सकते हो, वो भी इजिली बिना ज्यादा एफर्ट लगाए, दिख रहा है सर। इस तरह की विजुलाइजेशन, इस तरह की रिपोर्ट आप इजिली क्रिएट कर सकते, बना सकते हैं, ऑटोमेट कर सकते हैं, बड़े बड़े फॉर्मूले लगा सकते हैं बिना ज्यादा एफर्ट लगाए।
ठीक है, इसकी जो ड्यूरेशन होगी वो तकरीबन 1.5 से 2 महीना, तो 2 महीना लेके चलिए आपको होगा। मंडे टू फ्राइडे क्लास होगी, क्लासेस सुबह 5 बजे हमारा शुरू होता है और रात को 11 बजे तक क्लासेस चलती है। इस बीच का 1 घंटा जो आपके लिए सुटेबल हो और मेरा फ्री स्लॉट हो वो आप ले सकते हैं, ठीक है। अब कुछ लोग बोलते हैं सर मुझे सैटरडे संडे चाहिए। जी हाँ, सैटरडे संडे भी हम ट्रेनिंग देते हैं, और सैटरडे संडे जो ट्रेनिंग होती है वो 1.5 से 2 घंटे की ट्रेनिंग होती है, लेकिन सैटरडे संडे हम आपको लास्ट में बोलते हैं। क्यों? क्योंकि सर क्या होता है कि एक्सेल जस्ट लाइक अ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स नीड ए प्रैक्टिस। तो अगर आप वीकेंड्स पे क्लास ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा कि आप सैटरडे संडे के दिन ही प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस क्लास 1.5 घंटा लेते हैं तो 1.5 घंटा प्रैक्टिस करें। ऐसा नहीं कि आप सैटरडे संडे पूरा दिन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, राइट। दूसरी चीज होती है कि आप पिछले हफ्ते क्या पढ़े थे अगले हफ्ते आप तक याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर बीच में कोई गैप आ गई, और गैप आनी है, हो सकता है कि आपको ऑफिस जाना पड़ जाए, किसी के शादी में जाना पड़ जाए, या कोई भी कुछ भी हो सकता है, एक वीकेंड आपने छुट्टी ले लिया या मैंने छुट्टी ले लिया, हम दोनों है तो इंसान ही सर, तो सर 15 दिन का गैप हो जाएगा, और लर्निंग में सर गैप जो होता है ना सर दुश्मन होता है, सो गैप नहीं होना चाहिए। और मंडे टू फ्राइडे लेते हैं, आप ज्यादा टाइम नहीं दीजिए, 1/2 घंटे की टाइम दीजिए, और 1/2 घंटा लिया आपने लेंगे तो 1/2 से 1 घंटा आप प्रैक्टिस भी करेंगे इसके लिए। उसके बाद जो आपने सीखे हैं उसको ऑफिस में जाके इम्प्लीमेंट कीजिएगा, ऑफिस में जो प्रॉब्लम आती है वो हमारे साथ आके डिस्कस कर लीजिएगा। तो ये सब बेनिफिट होती है मंडे टू फ्राइडे क्लासेस। हालांकि सैटरडे संडे क्लास अगर हो तो बेनिफिट मेरा है, हमारे सारे स्टूडेंट को मैं सैटरडे संडे पढ़ाऊ, मंडे टू फ्राइडे छुट्टी, हर हफ्ते वेकेशन पे जाऊंगा आराम से घूमने फिरने, क्या तो बेनिफिट मेरा ही है। लेकिन मैं देखता हूँ कि आपके पास अच्छी क्वालिटी जानी चाहिए। अगर दूसरे कोर्स की बात करें तो दूसरा कोर्स हमारा है एक्सेल वीवीए माइक्रो प्रोग्राम। अब देखिए, एक कोर्स आप अभी चाहो तो नहीं कर सकते हो, लेकिन कुछ दिन बाद तो करना होगा। क्यों? अगर आपको एक्सेल पे ही काम करना है तो वीवीए आना चाहिए। वीवीए क्या है? देखिए, इस पहले वाले कोर्स में मैं बताऊंगा कि एक्सेल के अंदर जो इनबिल्ट फीचर है, माइक्रोसॉफ्ट ने जो फीचर बना के दिए हैं, उसको कैसे आप यूटिलाइज करें, कैसे बना उसका इस्तेमाल करेंगे, उसके तरीके, उसके डिफरेंट डिफरेंट तरीके जो है वो आपको बताएंगे, जुगाड़ उगाड़ जो होता है वो सब बताएंगे। लेकिन क्या होता है कि ऑफिस में हमें कुछ ऐसा काम आ जाता है जिसके लिए एक्सेल में कुछ है ही नहीं, तो उस केस में हम वीवीए प्रोग्रामिंग की मदद से ऑटोमेट करते। जैसे मान लीजिए कि आपको 500 लोगों को एक PDF मेल करनी, मेल आपको हर हफ्ते करना पड़ता है, अब एक्सेल तो नहीं कर पाएगा ना, एक एक करके मेल करोगे तो दिक्कत होगी। हालांकि हम पे मेल मर्ज कर सकते हैं, लेकिन मेल मर्ज में अटैचमेंट नहीं जाती है, हर किसी को अलग अलग मेल करना है, एक ही मेल नहीं करना है। स्लिप ही देख लीजिए ना कि PDF में आपके पास 1500 एम्प्लॉय का सैलरी स्लिप पड़ा हुआ है, 1500 एम्प्लॉय को सैलरी स्लिप देना है, मुश्किल है ना सर। देखिए, वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग से हम सारे कोडिंग कर लेंगे, कोडिंग कर देंगे, और कोडिंग करते ही क्या हो जाएगा, हमारा काम इजीली एकदम आसान हो जाएगा, कुछ ही सेकंड्स में। जो काम हम घंटों में करते हैं वो काम कुछ ही सेकंड में करते हैं। तो ये हमारा दूसरा कोर्स आता है वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग। इसकी ड्यूरेशन 2 से 3 महीने की होती है, और इसका भी सेम होता है तरीका। अगर हम फीस की बात करें तो इसके लिए आपको 7500 पे करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको 10,000 पे करनी पड़ेगी। अगर दोनों लेते हैं, मतलब कि एक्सेल प्लस वीवीए दोनों लेते हैं, तो ड्यूरेशन 4 महीने के आसपास होती है, और फीस आपका 15,000 होता है। एक चीज है कि कोई भी कोर्स के लेते हैं तो एक बेनिफिट मिलता है हमारे पास, और एक नहीं दो मिलता है। पहला होता है टेलीफोन सपोर्ट। टेलीफोन सपोर्ट में क्या होता है कि काम करते समय ऑफिस में कभी ऐसा लगा कि आप मुझसे बात कर सकते हैं, आपको कुछ प्रॉब्लम है शेयर कर सकते हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं ड्यूरिंग द क्लास, मतलब कि जब तक क्लास चल रही है तब तक ही नहीं, इसके बाद भी कभी भी। और आप क्लास ले चाहे न ले, आपको कभी ऐसा लगा कि कहीं फंस गया है, मेरी जरूरत है, तो नंबर सामने है, इस पर कभी भी कॉल कर सकते हैं। हम आपको हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि आपकी प्रॉब्लम मेरे लिए लर्निंग अपॉर्चुनिटी होती है, इसलिए हर क्वेश्चन को मैं वेलकम करता हूँ। दूसरा फीचर आता है फ्री रीज्वाइन।
रीज्वाइन बिल्कुल फ्री होगा। मतलब अभी आपने सीख लिया, 6 महीने, साल भर, 2 साल बाद आपको लगा कि ये चीजें आप भूल गए हो, दोबारा आप सीखना चाहते हो, इसको आप रीज्वाइन कर सकते हो। उस समय आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा। मेरा किसी भी रनिंग बैच में आके आप ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन रनिंग बैच रनिंग